दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मापोली स्पोर्ट्स की तरफ से अरबाज पटेल और सैफ कुरैशी, हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर शकील कोटी सर और गोकुल पाटिल सर। तो खेल की शुरुआत होती हुई, पिछला मैच बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर जरीमरी काटे ने जीता, जहां पर हर्षद ने अच्छी बल्लेबाजी की, 5 गेंदों का सामना किया जिसमें 21 रन उन्होंने बनाए। हंसिका स्पोर्ट्स के सामने भी पहले गेंदबाजी ही की थी जरीमरी काटे ने, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का उनका ये फैसला। केतन घरत पहला ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां पर अरबाज। तीन तीन ओवर का ये मुकाबला और सिर्फ एक ही ओवर पावर प्ले रहेगा। पहली गेंद वहां पर केतन की, देखना इनसाइड और स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी साई और कोई गलती नहीं की साई मात्रे ने, और पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरता हुआ इस वक्त अरबाज पटेल की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। देखिए किस तरह से वहां पर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन बहुत दूर से इस गेंद को खेला वहां पर अरबाज ने। बढ़िया क्या समाप्त करते हुए इस वक्त साई मात्रे। तो पहली गेंद के ऊपर इस वक्त मापोली स्पोर्ट्स को बड़ा झटका लगा है, अरबाज पटेल आउट होकर वापस गए। अरबाज पटेल जो पावर प्ले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते, और हमने देखा है कल के दिन भी बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की थी पावर प्ले में, लेकिन यहाँ पर शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आए हैं सचिन यादव। सचिन यादव नॉन स्ट्राइक पर आए, जबकि स्ट्राइक पर इस वक्त है सैफ कुरैशी। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर राइजिंग डिलीवरी रही थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां पर सैफ ने। पहली दो गेंदें केतन घरत की बहुत बढ़िया रही जिस पर विकेट निकाला, और ये डॉट गेंद अब तक खाता नहीं खुला है मापोली स्पोर्ट्स का, जबकि एक विकेट भी गिर चुका है। इस बार देखना है वहां पर क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर, और आउट, विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ, और सैफ कुरैशी की पारी भी यहां पर समाप्त। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर सैफ, ऑन साइड में खेलना चाहते थे और बल्ले के हैंडल से जाकर गेंद लगी, और कोई गलती नहीं की वहां पर हर्षद विकेट कीपर ने। तो पहले ओवर में हम देख रहे बाबू सर के 2 विकेटे गिर चुकी, दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त डगआउट की तरफ वापस गए, पहले अरबाज और अब सैफ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है केतन घर द्वारा। नए बल्लेबाज अब आकाश परिहार। इस बार फुल टॉस गेंद थी वहां पर, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की हुआ बल्लेबाज आकाश परिहार ने, और तेज कदमों के साथ यहां पर ये 1 रन पूरा किया है। हालांकि फुल टॉस गेंद थी और ऑन साइड में वहां पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए वहां पर बल्लेबाज। अब जाके यहाँ पर मापोली स्पोर्ट्स का खाता खुलता हुआ, 1 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद मापोली स्पोर्ट्स इस मैच में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई। टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला था जरीमरी काटाई का, वो सही साबित हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केतन घरत बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं। दो झटके दिए यहां पर मापोली स्पोर्ट्स को। इस बार कट किया इस गेंद को, वहां पर देखना है गेंद ऊपर है, और रोमित घरत इस बार वहां मौजूद थे,
हालांकि एक बार फिर से वहां मौका आया था जरी मरी के पास एक और विकेट निकालने का मापोली स्पोर्ट्स का, लेकिन जज नहीं कर पाए थे वहां पर। वहां रोमित घरत दो रन इस गेंद के ऊपर स्कोर, दो रनों की मदद से अब तीन रनों पर जा पहुंचा है। अब तक अच्छी गेंदबाजी की केतन घरत ने, इस बार कट करने की कोशिश की वहां पर सचिन ने, लेकिन एक बार फिर से वहां पर शानदार गेंद। क्या बेहतरीन ओवर घटा यहां पर केतन घरत का, सिर्फ तीन रन खर्च किए और दो विकेट हासिल की उन्होंने। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है पावर प्ले में, जहां पर मापोली स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा हुआ है। गणेश पाटिल दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए, पिछले मैच में भी दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, केतन घरत और गणेश पाटिल ने हंसिका स्पोर्ट्स के सामने। गणेश पाटिल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, सामना करेंगे वहां पर आकाश परिहार। पहले ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखे मापोली स्पोर्ट्स का, तो सिर्फ तीन ही रन जोड़ पाए वहां बल्लेबाज। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज आकाश ने, एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर, लेग बाय के रूप में ये एक रन आता हुआ। पहली गेंद का सामना कर रहे थे वहां पर गणेश पाटिल का बल्लेबाज आकाश परेर, जहां पर स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी उस गेंद के ऊपर, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद एक बार फिर से वहां रही है गणेश पाटिल की। गणेश पाटिल जो एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, सिटी क्रिकेट का भी काफी अनुभव है उन्हें, एमएससी नायगांव के लिए भी काफ़ी वक्त तक क्रिकेट उन्होंने खेला है और यहां पर अपने गांव के लिए खेलते हैं और शानदार गेंदबाजी अब तक की है। इस बार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला वहां पर सचिन ने और भेज दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छह रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ सचिन यादव के बल्ले से, जूसी हॉफ वाली गेंद रही थी और क्या स्ट्रोक लगाया है, मस्तक पे दस्तक, सर के ऊपर से गेंद फर करके निकल गई है छह रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ दस रनों पर। आज की रात का ये लास्ट मुकाबला इस वक्त चलता हुआ जरी मरी काटे और मापोली स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर से सामना करते हुए सचिन यादव, एक बार फिर से देखना उसी दिशा में खेला है, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और फिर से अच्छा कैच वहां पर समाप्त किया है साई मात्रे ने।
बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। साई द्वारा दो कैचेस अब तक पकड़े और इस बार ये बेहतरीन, जहाँ पर सचिन जाधव के रूप में मापोली स्पोर्ट्स का तीसरा विकेट गिरा है। उसी दिशा में पिछली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया था सचिन ने, एक बार फिर से वहीं पर ये स्ट्रोक खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार लंबाई भी कम थी और ऊंचाई भी कम थी, जहाँ पर बहुत बढ़िया कैच समाप्त किए गए साई मात्रे द्वारा। ये देखिए नईम शेख साहब को दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ मापोली के तौसीफ हलवे साहब को भी दिखाया जा रहा है। और तैफूर भूरे भी वहां पर नजर आ रहे हैं। ऑन साइड में इस गेंद को खेला है वहां पर बल्लेबाज ने और तेज कदमों के साथ रन के लिए निकल पड़े वहां पर। इस बार मिस फील्ड हुई वहां पर, लेकिन अच्छा बैकअप देखने को मिला है। दो रन इस गेंद के ऊपर स्कोर, दो रनों की मदद से एक एक शॉट का इशारा आता हुआ तो एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई वहां पर रन कंप्लीट करने के लिए। एक ही रन इस गेंद के ऊपर, इस एक रन की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ दूसरे ओवर में मापोली स्पोर्ट्स 11 रन। फिर से अच्छा स्ट्रोक वहां पर अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग आर्म पर बहुत बढ़िया फील्डिंग देखने को मिल रही है छोटे कद के खिलाड़ी साई से शाही मात्रे द्वारा। सिक्सर लगने के बाद अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है गणेश पाटिल द्वारा, जहां पर विकेट भी हासिल किया और दो बेहतरीन गेंदें उनकी रही है, जहां पर बल्लेबाजों ने उतनी बेहतर बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। इस बार सामना करते हुए आसिफ शेख और उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को खेला है, फिर से वहां पर साई गेंद के नीचे, लेकिन इस बार गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ आसिफ शेख के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक लगाया है, ऑफस्टम से बाहर गेंद रही थी, गेंद की लाइन में आए और व्हाइटिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 18 रनों पर। दो ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 18, 3 विकेटें गंवाने के बाद मापोली स्पोर्ट्स। लास्ट गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां पर आसिफ शेख ने पहले ओवर में, जहां पर केतन घरत ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, सिर्फ 3 रन खर्च किए थे और 2 विकेटें हासिल की थी। तो इस ओवर में गेंदबाज गणेश पाटिल ने जो रन खर्च किए वो है 15। अब देखना है लास्ट ओवर में क्या एक बार फिर से रोमित को ही बुलाया जाएगा, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल, लास्ट ओवर के लिए एक बार फिर से वहां पर रोमित घरत को ही बुलाया जा रहा है। तो लास्ट ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी के लिए रोमित घरत सामना करेंगे वहां आकाश परिहार। दो ओवर की समाप्ति और रन बने हैं अब तक 18, 3 विकेट गंवाने के बाद मापोली स्पोर्ट्स। पहली गेंद वहां पर रोमित की, देखना है इस बार खेला इस गेंद को, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम है, गेंद के नीचे वहां पर केतन आते हुए, लेकिन इस बार वहां पर क्या छुटा है केतन घरत से।
तो 2 रन इस गेंद के ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज आकाश परिहार। ये देखिए ऊंचाई बहुत ज्यादा दे बैठे थे इस गेंद को, लेकिन डीप में खड़े हुए खिलाड़ी वहां पर केतन घरत से चुकौती हुई। 2 रन इस गेंद के ऊपर, इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 20 रनों पर जा पहुंचा है। इस बार देखना है, छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर आकाश ने, और सही फैसला वहां पर बल्लेबाज का, क्योंकि पहले गेंद की लाइन को पढ़ लिया था उन्होंने, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद रही थी। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब 21 रन। बहुत ज़्यादा ही बाहर कर बैठे थे इस गेंद को वहाँ गेंदबाज रोमित घरत, वही कारण था कि इस गेंद को वाइट करार दिया गया। देखने अब फील्डिंग में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखना है डीप में, वहां खिलाड़ी मौजूद, केतन मौजूद थे वहां पर, लेकिन गेंद चले गई है 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जज नहीं कर पाए वहां पर गेंद को, 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। हालांकि गेंद के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गेंद ने बहुत ज्यादा बाउंस लिया और केतन के सर के ऊपर से गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। चौकी की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ मापोली स्पोर्ट्स का 25। केतन रोमित घरत जो लास्ट ओवर लेकर अब तक 2 गेंदे की और जिसमें रन खर्च किए हैं 7। पहली गेंद पर 2 वाइड, फिर ये बाउंड्री। आकाश परिहार इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, अभी अभी एक बाउंड्री भी उन्होंने लगाई है और अच्छी कोशिश कर रहे अपनी टीम को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाने की। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की वहां पर और रन के लिए निकल पड़े वहां दोनों बल्लेबाज, बाय के रूप में ये 1 रन आएगा। बहुत बढ़िया गेंद रही थी इस बार वहां रोमित घरत की, लेकिन विकेट कीपर जब तक गेंद को ढूंढते उठाते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। छब्बीस रन। आसिफ शेख एक सिक्सर अब तक लगा चुके और इस बार सामना करते हुए रोमित का। इस बार देखने हैं फुल टॉस गेंद और दिशा दिखाई सिर्फ, बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस वक्त आसिफ के बल्ले से। फुल टॉस गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, बाकी का काम वहां पर गेंद ने कर दिया। ताकत कम और नजाकत ज्यादा देखने को मिली इस बार आसिफ द्वारा। इस चौके की मदद से स्कोर अब 30 रनों पर जा पहुंचा है। हालांकि हंसिका स्पोर्ट्स पिंपल घर ने भी एक अच्छा टारगेट सेट किया था जहां पर 35 रन बनाए थे, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से जरी मरी काटे ने वो 35 रन चेस किए। अब यहां भी हम देख रहे हैं कि अब तक मापोली स्पोर्ट्स ने अच्छे रन बनाए, उसी बीच बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर विकेटों के बीच में ये गेंद आ रही थी, इन फ्रंट ऑफ द विकेट इस गेंद को खेला अलॉन्ग द कारपेट वहाँ पर आसिफ ने, और तेज कदमों के साथ दूसरे के लिए पलट चुके हैं। अच्छी दौड़ देखने को मिली है इस बार दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, ये देखते हुए कि इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट नहीं आया तो अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है।
32 रन। फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, मिस टाइम स्ट्रोक है, फिर से वहां पर क्या छूटता हुआ और दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। देखना है अब तीसरे रन के लिए भी जाना चाहते हैं, लेकिन दो ही रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। देखना है यहां पर बीमर के लिए तीसरे एम्पायर की मदद ली गई है। फेयर डिलीवरी, तो मापुली स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं 34 और 35 का टारगेट रहेगा, बिल्कुल वही टारगेट जो हंसिका स्पोर्ट्स ने रखा था जरीमरी के सामने। तो यहां पर मापुली स्पोर्ट्स ने वही टारगेट रखा है जरीमरी काटे के सामने 35 रनों का। शुक्रिया मज़र खान, ढलती हुई रात में आप सभी का जवां क्रिकेट में हार्दिक स्वागत है। बाली ट्रॉफी 2022 में 35 का लक्ष्य पिंपलगढ़ ने रखा था, उसको पूरा किया जरीमरी काटे ने। 35 का ही लक्ष्य आप रखा है यहाँ पे मापुली स्पोर्ट्स ने, देखना है वो पूरा होता है या नहीं। ओपनर्स भेजना है प्लीज जरीमरी, काफी समय हो चुका है। स्कोरिंग के लिए इस वक्त ये हमारी खुशकिस्मती है कि कमेंट्री बॉक्स में कम्युनिकेशन मैन अबुलेस जुड़ते हुए। खेल की शुरुआत दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए, साई और राकेश पाटिल, 35 का लक्ष्य है। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए पहले ओवर में मारूफ भाभे को लगाया गया है, युवा गेंदबाज पावर प्ले में
35 रनों का लक्ष्य सामना करेंगे बैट्समैन राकेश नॉन स्ट्राइक पर। साई पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी साई ने। फील्ड की जमावट देखिए, शॉर्ट थर्मे ने पॉइंट है सीधा, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है और स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खिलाड़ी एक शॉर्ट फाइन लेके सर्कल में ये खिलाड़ी हैं, जबकि वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी ऑर्थोडॉक मिड विकेट पर है। मारूफ भाबे पहली गेंद बैकफुट पे गए, धीरे से पॉइंट पे खेला, मिसफील्ड हुआ, एक रन बनाया राकेश ने। एक रन से शुरुआत होती भी यहाँ पर जरी मरी काटई की, एक रन बिना किसी विकेट के। 35 रन चाहिए अगली पायदान पे पहुँचने के लिए, जबकि 35 रन बचाने होंगे मापोली को अगर अगली पायदान पे पहुँचना है। मारूफ भाबे लंबा कद है, बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, समय में कॉपरेट करें मापोली प्लीज। हर गेंद पर आपको मशवरा नहीं देना है। मारूफ भाबे साई के लिए बढ़िया गेंद, गुड लेन पे पड़ने के बाद राइज होती भी चली गई विकेट कीपर के पास। वन फॉर दी ओवर का इशारा अंपायर ने कर दिया है, जैसे देखा कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन फॉर दी ओवर एक बाउंसर अप कर चुके हैं, एक रन बिना किसी विकेट के। मारूफ भाबे अच्छी रफ्तार निकालते हैं, इस मरतबा गेंद को चिप किया, पीछे खिलाड़ी और साई सस्ते में आउट, एक रन एक विकेट तीन गेंदों पर और वो भी पावर प्ले में। बढ़िया कैच लिया था डीप में, ये आकाश ने उस कैच को पकड़ा था। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त, हर्षद शेलार। कल ठीक 11 बजे बंदरिया मारुति कालेर और श्री गणेश बड़ोटी के बीच में ग्रामीण फॉर्मेट से हमारा शेड्यूल शुरू हो जाएगा। आपको जो समय दिया है उसी समय पे आपको रिपोर्ट करना है, आधा घंटा पहले, ना कि ये देखते हुए कि मैच किसका शुरू है। मारूफ भाबे जाकर कुछ मेरे ख्याल से आसिफ शेख ने उनको समझाया है, स्क्वायर लेग से गए थे। मारूफ राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अच्छी गेंद लॉफ कर दिया है, फिर आ रहे खिलाड़ी लेकिन नहीं पहुंच पाए। आप जाकर फिर से गेंद को उठाया है, इस बीच दो रन बने, अच्छा एफर्ट वहां पर रहा था सैफ कुरेशी का। दो रन से स्कोर 3 रन एक विकेट, 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। राकेश 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुल स्कोर 3 ही रन है। मारूफ पॉइंट के फील्डर को थोड़ा सा बैकवर्ड करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं। तेज तर्रार गेंद, एक और डॉट गेंद, हर डॉट गेंद मानो दबाव बढ़ा देंगी काटे के बल्लेबाजी पर। 5 गेंदों में सिर्फ
तीन रन आए और एक विकेट लिया है मारूफ भाबे ने। मारूफ भाबे सामना करेंगे बैट्समैन राकेश पाटिल। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फिर अच्छी गेंद हवा में, स्ट्रोक गैप में ट्रैवल हो रही है, कोई मौका नहीं, गेंद काउ कॉर्नर से जाती भी, चार रन। एक ओवर की समाप्ति पे सात रन बने, बचे हुए दो ओवर में बहुत बढ़िया ऑफिस टॉस खेला था वहाँ पर, शॉट को बैकलीफ को थोड़ा नीचा करके, यहाँ से 12 गेंदों में 28 रन चाहिए। देखना है कि सामने की ओर से गेंदबाजी में किसको बुलाया जाता है। काफ़ी ऑप्शंस हैं मापोली के पास, सरफराज बूरे हैं, आसिफ सीनियर है, आसिफ जूनियर हैं, आसिफ शेख को बुलाया गया है गेंदबाजी के मोर्चे पे। 12 गेंदे 28 रन चाहिए। आज काफ़ी देर तक क्रिकेट चला, कल 4:13 पर बाली ऑल इंडिया ओपन लीग का फाइनल जीता था बादशाह 11 चीता कैंप ट्रांबे ने। खेल की शुरुआत होती हुई आसिफ शेख लंबे रनअप से मुड़ते हुए, सामना करेंगे उनका बैट्समैन हर्षद शिल्के, हर्षद सेलार। पॉइंट घेरे में है, शॉर्ट थर्ड मैन है, शॉर्ट फाइन लेक है, जबकि दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड। समय में पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है मापोली स्पोर्ट्स को। डीप कवर में खिलाड़ी है लॉन्ग अप पे, जबकि तीन खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे ऑन साइड में। आसिफ शेख लंबे रनअप से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं। पटकी हुई गेंद और बीट बैट्समैन, रन पूरा होता हुआ वहां पर, अंपायर का कोई इशारा नहीं। बल्ले को छूने के बाद गेंद गई थी, इसका मतलब है कि कैच छूटा है। एक रन से 8 पे पहुंचा स्कोर, 11 गेंदों में 27 रन चाहिए। 11 बॉल्स एंड 27 रन। आठ रन एक विकेट। राकेश पाटिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक चौका भी जड़ा है, 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आसिफ शेख इस मरतबा ऊपर लगी है लेकिन नहीं पहुंच पाए, खिलाड़ी नो मैन्स लैंड में। एक रन बना, दूसरे की कोशिश और देखना है, तीसरे अंपायर की मदद ऑन फील्ड अंपायर ने लिए रन आउट के लिए। अंपायर रमीज रईस हमारे तीसरे अंपायर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर थी दूसरे रन में और देखना है कि थ्रो भी नीचा आया था, आखिरकार कलेक्ट किया। देखना है क्या निर्णय आता है अंपायर का।
अल्ट्रा स्लो मोशन में इस थ्रो को दिखाया जा रहा है। पहले बाउंस पर हाफली पे थ्रो को लिया था, बैट्समैन आउट। एक रन स्कोर में और बढ़ता हुआ 9 रन 2 विकेट। यहां से अब 10 गेंदों में 26 रन चाहिए। अब गेंदें कम होती भी देखना है कि नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए इस वक्त गणेश पाटिल। नौ रन दो विकेट। गणेश पाटिल वैसे भी सिटी क्रिकेट का भी अच्छा खासा तजर्बा रखते हैं और मापोली की एक ऐसी टीम है जो बाली ट्रॉफी के सबसे ज़्यादा टोटल को बनाने वाली टीम है। 137 रन मापोली ने बाली ट्रॉफी में सबसे हाईएस्ट बनाए। आसिफ शेख, तेज गेंद, गजब की गेंद, बेल्स को ट्रिप करती निकल गई, बोल्ड कर दिया वहां पर गणेश पाटिल को शून्य पे। अब तीसरा झटका यहां पे लगा है 9 रन पे और काटे की अब परेशानियां बढ़ती भी। 9 रन 3 विकेट। अब 9 गेंदों में 26 रन चाहिए। इसका मतलब है कि जो आस्किंग रन रेट है वो अभी काफी बढ़ गया है। नए बैट्समैन केतन घड़त बहुत दिनों तक चैलेंज से खेले, लेकिन इस सीजन में मैं देख रहा हूँ कि केतन घड़त हालांकि बहुत अच्छे गेंदबाज भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन कुछ टूर्नामेंट से चैलेंज टीम में नजर नहीं आ रहे। 9 रन 3 विकेट। आसिफ शेख सामना करेंगे केतन घड़त। आज बाली ट्रॉफी में बहुत ही गजब का मुकाबला रहा, हालांकि शुरुआती मुकाबले आज बहुत अच्छे रहे। नवाब स्पोर्ट्स ने बहुत डैशिंग अंदाज में चेस किया, जवान के बल्लेबाजों ने बंटी के गेंदबाजों की धुलाई की, बाद में जवान के गेंदबाजों की धुलाई की। बैकफुट पे गए, एलिवेशन नहीं है, गेंद डीप कवर में गई है। 1 रन। अतिरिक्त रफ्तार और अतिरिक्त उछाल जब रहता है, मजहर खान कल देर रात ओपन क्रिकेट के गेंदबाज इस विकेट पे मानो इतनी तेज गेंदबाजी कर रहे थे और ख़ास तौर से फाइनल का आखिरी ओवर जो बिलाल शेख ने डाला और वो गेंद जो उन्होंने विश्वजीत ठाकुर को की थी, इतनी ज़बरदस्त परफेक्ट यॉर्कर थी। धनराज ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी आज की सिटी ग्रामीण में। आसिफ शेख राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फिर तेज गेंद बैकफुट पे गए, कंट्रोल फुल शॉट है, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन बना है, थोड़ा फंबल किया है लेकिन थ्रो रॉन्ग एंड पे, 2 रन पूरे। क्या छूटा है डीप में, सैफ कुरेशी से 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 12 रन। विकेटों को हम देखें तो 3 विकेटें गिरी इस ओवर में। अब 1 गेंद आना बाकी है, 7 गेंदे, डगर मुश्किल होती हुई अब काटे के लिए। हालांकि ये कैच बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि 2 रन भी बच जाते, लेकिन क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं, जर आनी तर नहीं चलता है, किंतु परंतु को जगह नहीं। आसिफ शेख तेज गेंद कट किया है पॉइंट के ऊपर से,
हालांकि शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम, दो रन पूरे। अब एक ओवर और जरी मरी काटाई के सामने एक ही रास्ता है, डू और डाई, हिट आउट और गेट आउट। छह गेंदे 21 रन। इस तरह के जो इक्वेशन रहते हैं मजहर खान, पहली या दूसरी गेंद पे आपको बड़ा स्ट्रोक लगा के गेंदबाजी पे दबाव डालना होता है। समय में कॉपरेट करें प्लीज। मापुली स्पोर्ट, मैजिक बॉक्स में इस वक्त मापुली के सपोर्टर्स नजर आ रहे हैं। आसिफ जूनियर, कौन भूल सकता आसिफ जूनियर को इसी ग्राउंड पे। 5 मार्च 2019 का वो सेमीफाइनल मुकाबला जो वकी स्पोर्ट मापोली और यूतिका के बीच खेला गया था, आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए थे, यूतिका के सिर्फ 2 विकेट गिरे थे लेकिन वो 3 रन उन्होंने नहीं दिए। कैफी आजमी, और फाइनल में हालांकि धनेश से हारी थी मापोली, और आसिफ शेख उसके मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। उस दिन जज्बाती होकर यही बात मुझे उन्होंने कही थी। बढ़िया गेंद, और उसी दिन मजर उनको मैं कहने वाला था कि मुझे भी पता है वो बात 5 मार्च 2019 की है। इस गेंदबाज पर बड़े स्ट्रोक लगाना ऐसा नहीं कि नामुमकिन हो, लेकिन मुश्किल जरूर है। इसमें बैकफुट पे गए, फोर्स किया लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन। छोटी गेंद थी, इंतजार किया और वार किया। ये देखिए क्रीज में काफी पीछे गए थे, फोर्सिंग स्ट्रोक था, 6 रन। 4 गेंदे 15 रन, थोड़ा ज्यादा धीमा कर रहे हैं वहां पर। हालांकि उनकी गेंदें काफी कट्टी है, कटर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। 4 गेंदे 15 रन। लेग अंपायर से कुछ बात की है वहां पर केतन ने। 4 गेंदे 15 रन, बढ़िया गेंद। ये थोड़ा साइड आर्म किया था, तेज किया था, विकेटों के ऊपर से निकल गई, बहुत खूबसूरत गेंद, बाल बाल बच गए वहां पर केतन गरत। 3 गेंदे 15 रन, ये गेंद छूट गई मानो बाली ट्रॉफी में आपका सफर छूट गया। आसिफ जूनियर ऑफिस नाम के बाहर, वाइड 3-14। देखिए प्रेशर एक ऐसी चीज रहती है कि अच्छे अच्छों के कान के पास सिट्टी बज जाती है। रति महारती भी प्रेशर में बौखला जाते हैं। आसिफ शेख 3-14, आसमानी टोला, स्विंग कर दिया, 6 रन। कहानी में ट्विस्ट, और देर रात मैच होता हुआ सुपर हिट, 2 गेंदे 8 रन। केतन गरत भी मानो मापोली के पीछे पड़ गए हैं। ये देखिए प्लेस पवेलियन में अब थोड़ा सा इत्मीनान है, लेकिन इक्वेशन अभी भी मुश्किल है क्योंकि 2 गेंदे और 8 रन है।
फील्डिंग तुरंत सजाने मापुली स्पोर्ट फरहान पटेल प्लेस पवेलियन मापुली की शान और मापुली की टीम की देखना है शान बढ़ाते हैं आसिफ या इस मैच को ले उड़ते हैं केतन। बहरहाल मैच बहुत अच्छा हो रहा है, दो गेंदे 8 रन। जो लोग जागे और झपकी दे रहे थे उनकी नींद खुल गई है। दो गेंदे 8 रन आसिफ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस मार दबा बल्ले के अंदर लगी है। अब 4-1 ही रह गया है, गोल्डन सिक्स लगाना होगा। हालांकि गोल्डन सिक्स उस दिन जो लगा था वो किसी वजह से हम काउंट नहीं कर सकते हैं। गोल्डन सिक्स की जरूरत है, मगर आपको याद होगा कि बाली ट्रॉफी 2018 में पिंटू परचा ने जो गोल्डन सिक्स लगाया था और देखिए पिंटू परचा का भी एक दौर रहा था और शाहिद खान उन्हें हर जगह लेते थे और बहुत देर तक वो शाहिद खान के साथ भी खेले थे। आखिरी गेंद है, गोल्डन सिक्स चाहिए। क्या आसिफ, क्या केतन, क्या मापोली, क्या काटई। सिर्फ गेंद डालते टाइम प्लीज आप लोगों को खामोश रहना है, गेंद डालते टाइम खामोश रहना है प्लीज। क्या आसिफ, क्या केतन, क्या मापोली, क्या काटई। आसिफ ओ गोल्डन सिक्स, अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई भी नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं जाएगा प्लीज। गोल्डन सिक्स लगा दिया है वहां पर केतन गलत ने और काटई जरी मरी ने इस मैच को जीत लिया है। ओवर पिच गेंद थी, लॉब कर दिया उन्होंने 6 रन। तो दोस्तों तो अभिनंदन काटई, आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। शब बख़ैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।